Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number one and topic is computer hardware. और computer hardware में हम जिस component को discuss करेंगे वो है memory and lecture number 13. So chapter को read करने से पहले हम इस flow chart को जो है देख लेते हैं, ठीक है? हमारे पास memories three types की होती है, main memory, secondary memory और cache memory, ठीक है? जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है वो उसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है? जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो मेन मेमोरी भी होती है, ठीक है? तो मेन मेमोरी में हमारे पास रैम होता है और रोम होता है, ठीक है? रोम जो है वो फर्दर डिवाइडेड होता है पी रोम, ई पी रोम एंड ए ई पी रोम, ठीक है? सो हमारे पास कितने टाइप्स की मेमोरीज हुई? हमारे पास थ्री टाइप्स की मेमोरी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और कैशे मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, जिसका डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है सीपीयू के साथ, ठीक है? हमारे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली जिस मेमोरी का एक्सेस होता है वो हमारे पास होती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है? सो ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ द मेमोरी. आपने फ्लो चार्ट जो है ये ड्रॉ करना है, ठीक है? एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरीज आर इन कंप्यूटर. तो अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे कितने टाइप्स की मेमोरीज है कंप्यूटर में, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैशे मेमोरी. व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स दैट आर बींग एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर. इट ऑल्सो स्टोर द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय ALU आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा. There are three types of memories on the motherboard, which are ROM, read-only memory, RAM memory and cache memory. ठीक है? So ROM और RAM हमारे पास जो memory होती हैं, ये हमारे पास primary memory में आते हैं, ठीक है? और देख लेते हैं तो हमारे पास memory क्या होती है. memory में हम programs और data को store कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा ALU जो arithmetic logic unit function होता है, इसमें इसके जो भी रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, वो भी प्रोसेसिंग के बाद किस में स्टोर होते हैं? मेमोरी में, ठीक है? और रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड रोम इज अ सिंगल आईसी चिप. रोम आपके पास क्या है? एक सिंगल आईसी चिप है, ठीक है? अगर आप यहां पे देखें तो ये मेरे पास क्या है? रोम है और एक सिंगल आईसी चिप है, ठीक है? विच आर इंस्टॉल्ड ऑन द मदर बोर्ड. ये आपके पास ग्रीन ग्रीन है, ये आपके पास मदर बोर्ड है और मदर बोर्ड पे क्या चीज इंस्टॉल्ड है? रोम इंस्टॉल्ड है. और रोम हमारे पास क्या है? एक सिंगल आईसी चिप है. इट स्टोर द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स ऑफ कंप्यूटर डैट कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड स्टार्टअप एंड बूटअप प्रोसेसिंग, ठीक है? ये स्टोर क्या करता है? जितने भी हमारे पे इनपुट आउटपुट सिस्टम्स होते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है कौन? हमारे कंप्यूटर में अगर आपने देखा हो तो बायोस होते हैं, ठीक है? बायोस का फंक्शन ये होता है कि हमारे कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, इसके अलावा हमारे पास इसमें प्रोग्राम्स को लोड करना. अपने कंप्यूटर में ये चीज देखी हो तो एक बायोस सेटअप यूटिलिटी होती है, ठीक है? इसमें आपके पास सिर्फ यही नहीं होता, इसके बाकी भी और कंपोनेंट्स होते हैं. तो ये करता ये है कि जितने भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करना, ठीक है, आपके कंप्यूटर को स्टोर करना. बायोस हमारे पास बायोस और क्या करते हैं कि ये हमारे कंप्यूटर में कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को टेस्ट करते हैं कि वेदर ये कि ये ऑन है या नहीं. लाइक अगर आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं और कीबोर्ड अटैच नहीं करते, ठीक है, तो वो आपको कीबोर्ड का एरर देता है, ठीक है? सो ये काम कौन हमारे पास करता है? बायोस करते हैं, ठीक है? और फिर ये क्या करते हैं? देन लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इन टू द मेमरी. ये पहले कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को टेस्ट करते हैं कि वो ऑन है या नहीं. फिर ये क्या करते हैं? जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लाइक विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, एंड्रॉयड, यूनिक्स, लिनक्स, ये सब आपके पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है. इनको लोड करता है किसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द रैम में, ठीक है? बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है रैम में, ताकि जो कंप्यूटर है वो ऑपरेशंस के लिए रेडी हो जाए, ठीक है? बायोस प्रोग्राम्स आर परमानेंटली स्टोर इन टू द रोम. जितना भी डाटा, ठीक है, आप कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं, एंटर करते हैं, वो परमानेंटली स्टोर होता है. अगर आपने देखा हो तो आपके कंप्यूटर के अंदर, लाइक हम सी ड्राइव के एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो सी ड्राइव में कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं या आपके कंप्यूटर में ही कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जिनको आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है? वो कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली स्टोर हुई हुई होती हैं, ठीक है? इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट इज द प्रोग्राम स्टोर इन इट आर नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, ठीक है? जैसे आप अगर कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं, ठीक है, तो आप ऐसा तो नहीं होता कि आपने कंप्यूटर ऑन किया तो जो है सी ड्राइव के अंदर कोई भी डाटा ना हो, ठीक है, या ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो, ठीक है?
ये इन सब चीजों को कौन कंट्रोल करता है? हमारे कंप्यूटर में क्या होते हैं? बायोस होते हैं, ठीक है. और ये बायोस कहाँ पे स्टोर हुए हुए होते हैं? परमानेंटली स्टोर हुए होते हैं कंप्यूटर में. और बायोस क्या करते हैं कि जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको कहाँ पे स्टोर कर देते हैं? रोम में, ठीक है. जब इसको बनाया जाता है ना, तो इसमें ऐसे फंक्शन कर दिया जाता है कि जितने भी प्रोग्राम्स होंगे कंप्यूटर के अंदर वो जो है ना डिलीट नहीं होंगे, ठीक है. देर आर थ्री कॉमन टाइप्स ऑफ रोम विच आर पी रोम, ठीक है, प्रोग्राम एबल रोम, ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्राम एबल रोम एंड ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम एबल रोम, ठीक है. हमारे पास थ्री टाइप्स आ गई हैं किसकी? रोम की, ठीक है. सो अगर हम बात करें कि प्रोग्राम पी रोम क्या होता है, इट इज अ प्रोग्राम बाय यूजर, ठीक है. इसको कौन प्रोग्राम करता है? यूजर. यूजर कौन होता है? जो कंप्यूटर को यूज कर रहा था, ठीक है. वंस प्रोग्राम द डाटा आर इंस्ट्रक्टेड इंस्ट्रक्शंस इन इट, ठीक है. जो भी प्रोग्राम एक दफा आप इसके अंदर कर लेते हैं वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है. तो ये एपी रोम किसकी टाइप है? रोम की. तो इसमें हमारे पास ये जो टाइप होती है प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ हम उसके डाटा को रीड कर सकते हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है ईपी रोम, जिसको हम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं. इट कैन बी रीप्रोग्राम, मतलब ये कि इसको दोबारा आप इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है. ईपी रोम में ये होता है ना कि अगर आपने एक दफा इसको प्रोग्राम कर लिया तो आप डाटा नहीं चेंज कर सकते, ठीक है. इसमें आप डाटा को दोबारा चेंज कर सकते हैं. टू इरेज डाटा फ्रॉम इट एक्सपोजर इट टू अल्ट्रा वॉलेट लाइट्स टू रीप्रोग्राम इट एंड इरेज ऑल द प्रीवियस डाटा. ये क्या करता है? जितना भी प्रीवियस डाटा होता है उसको क्या कर लेता है? इरेज कर लेता है, ठीक है. और ये किसके थ्रू इरेज होता है? इनके अंदर अल्ट्रा वॉलेट लाइट्स होती हैं, ठीक है, जो किस चीज में हेल्प करती हैं डाटा को इरेज करने में, ठीक है. थर्ड टाइप हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी टू द डाटा कैन बी इरेज बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. इसमें भी हम क्या कर सकते हैं? डाटा को इरेज कर सकते हैं. नो नीड टू अल्ट्रा वॉलेट लाइट्स, ठीक है. अगर हम ईपी रोम की बात करें तो इसमें डाटा को इरेज करने के लिए हमें अल्ट्रा वॉलेट लाइट्स की जरूरत होती है, ठीक है. लेकिन हम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल का बात करें तो हमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं, उनको अप्लाई करके हम डाटा को इरेज कर सकते हैं, ठीक है. नो नीड ऑफ अल्ट्रा वॉलेट लाइट्स, वी कैन इरेज ओनली अ पोर्शन ऑफ चिप, ठीक है. जितना पोर्शन हमारे पास होता है हम सिर्फ उतने ही पोर्शन को इरेज कर सकते हैं, ठीक है. सो सिंपली आप ये कह दें कि जो ईपी रोम होती है और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी होती है, इसमें आप जो है ना वो डाटा को इरेज कर सकते हैं. लेकिन अगर हम पी रोम की बात करें तो इसमें अगर एक दफा हमने डाटा जो है एंटर कर दिया वो दोबारा इरेज नहीं होता. लेट्स टॉक अबाउट रैम. रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम इज अ हाईली स्पीड मेमोरी इनसाइड ऑन द मदरबोर्ड. अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है? मदरबोर्ड है. ये ब्लू में हमारे पास क्या है? मदरबोर्ड है. और ये आपके पास रैम है. और ये रैम की स्लॉट्स हैं जहां पे हम रैम को फिक्स करते हैं, ठीक है. सो इट इज अ रीड राइट मेमोरी. इन्फॉर्मेशन कैन बी रीड फ्रॉम और रिटर्न इन टू, ठीक है. इसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन को रीड भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को राइट भी कर सकते हैं, ठीक है. आप इन्फॉर्मेशन को दोबारा एड भी कर सकते हैं, कुछ लिख भी सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशन को रीड भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं होता कि अगर आपने इन्फॉर्मेशन इंस्टॉल कर दी तो उसको हम रीड ना कर सकें या हम कोई और डाटा इसके अंदर एंटर ना कर सकते हैं. प्रोग्राम्स आर लोडेड इन टू द रैम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. जितने भी प्रोग्राम्स हम लोड रैम में लोड करते हैं वो कहाँ से आते हैं? वापस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज में. और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आपसे एक एग्जांपल है आपके पास हार्ड डिस्क, ठीक है, और यूएसबी फ्लैश ड्राइव फॉर एग्जीक्यूटिंग बाय द माइक्रोप्रोसेसर. इन सबको एग्जीक्यूट, इन प्रोग्राम्स को कौन लोड करता है, कौन एग्जीक्यूट करता है इन प्रोग्राम्स को? हमारे पास सीपीयू, ठीक है. और इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी. क्यों वॉलेटाइल मेमोरी है? विच मीन्स इन्फॉर्मेशन स्टोर इन इट इज लॉस्ट वेन द कंप्यूटर इज टर्न आउट, ठीक है. इसका मतलब ये अगर हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं. RAM modules are installed into the memory slots on the motherboard. ये आपके पास क्या है? मेमोरी स्लॉट्स हैं, ठीक है. ये ब्लू कलर की मेमोरी स्लॉट्स हैं और ये आपके पास क्या है? RAM है, ठीक है. तो RAM को हम कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं? RAM के जो मेमोरी स्लॉट्स होते हैं वो कहाँ पे इंस्टॉल हुए होते हैं? मदरबोर्ड पे, ठीक है. सो अगर हम इसकी बात करें, ये सिलेंडर्स टाइप के सिलेंडर्स नहीं होते, दीज आर बेसिकली कैपेसिटर्स, ठीक है. इनको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है. सो वाई रोम इज कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल, वाई रैम इज कॉल्ड वॉलेटाइल, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ बायोस, ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट कैशे मेमोरी. व्हाट इज कैशे मेमोरी? कैशे इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी इनसाइड द माइक्रोप्रोसेसर और ऑन द मदरबोर्ड, ठीक है. हमारे पास कैशे मेमोरीज होती हैं, या तो वो माइक्रोप्रोसेसर में होती है या फिर कहाँ पे होती हैं? मदरबोर्ड में होती हैं. और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सट्रीमली फास्ट, मतलब ये कि इसके अंदर जो डाटा होता है ना वो बहुत
स्मॉल अमाउंट में होता है, ठीक है, और मतलब क्या होता है, थोड़ा सा डाटा होता है फिर इरेज हो सकता है, ठीक है. सो और ये मेमोरीज जो होती हैं बहुत ही एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरीज होती हैं. इट इज़ फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन रैम. ये रैम से भी ज़्यादा फास्टर होती हैं और ऑब्वियसली एक्सपेंसिव भी होती हैं. इट स्टोर इन्फॉर्मेशन दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज बाय कंप्यूटर, ठीक है, और ये वो इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं जो कंप्यूटर को फ्रीक्वेंटली यूज करनी होती हैं, ठीक है. सो अगर हम बात करें कैशे मेमोरी की, तो वॉट इज कैशे मेमोरी, तो आप यहां तक कैशे मेमोरी को लिख सकते हैं, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट वॉट राइट डाउन द पर्पज ऑफ कैशे मेमोरी, ठीक है. अगर आप इसको लिखें कॉपी पे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने पहले कैशे मेमोरी को लिखना होगा, ठीक है, ठीक है. उसके बाद पर्पज की आपने हेडिंग देनी होगी. द पर्पज ऑफ यूजिंग कैशे मेमोरी इज टू इम्प्रूव प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर. ये क्या करता है, ये इस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है. अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, तो हमारे पास थ्री टाइप्स होती हैं कैशे मेमोरी की, L1, L2 and L3, ठीक है, जिसको हम Level 1, Level 2 and Level 3 भी कहते हैं. L1 कैशे इज बिल्ट इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर. जो हमारे पास L1 कैशे होती है वो कहाँ पे ऑलरेडी बिल्ट हुई होती है, माइक्रो प्रोसेसर पे, जबकि L2 और L3 हमारे पास कहाँ पे इंस्टॉल्ड होती है, मदरबोर्ड पे, ठीक है. तो हमने ये बात की थी ना कि कैशे मेमोरी या तो माइक्रो प्रोसेसर में भी होती है और किस पे भी होती है, मदरबोर्ड पे भी होती है, ठीक है. जो हमारे पास सबसे फास्टेस्ट कैशे होती है वो L1 होती है और L2 और L3, ठीक है. अब हम देख लेते हैं कि ये आपके पास क्या है, कैशे मेमोरी, ठीक है, और ये आपके पास क्या था, ये आपके पास L1 है, ठीक है. CPU विद यूनिट कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड L1 कैशे, ठीक है. तो L1 कैशे हमने क्या कहा था कि वो CPU के अंदर होती है, और L1 कैशे CPU के अंदर बिल्ट इन होने की वजह से उसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है, वो डाटा बहुत ही फास्टली जो है, फ्रीक्वेंटली जो है, वो डाटा असेस करती है, ठीक है, और वो डाटा असेस वो करती है या वो डाटा प्रोवाइड करती है जो उस माइक्रो प्रोसेसर को जरूरत होती है, ठीक है. और अगर आप यहाँ पे देखें, हमने पढ़ा था कि L2 और L3 मेमोरी जो है वो हमारे पास मदरबोर्ड पे होती हैं, तो ये आपके पास मदरबोर्ड है और यहाँ पे हमारे पास L2, और इसको हमें सपोज कर लेते हैं हमारे पास क्या है, L3 कैशे मेमोरी है, ठीक है. जो हमारे पास L1 होती है वो CPU के अंदर होती है, इस वजह से वो फास्टेस्ट मेमोरी होती है. अगर हम बात करें L2 कैशे मेमोरी की, तो ये हमारे पास L2 और L3 जो होती है ना, वो एज कम्पेयर टू L1 उनका साइज बिगर होता है, ठीक है, लेकिन ये डाटा को एक्सेस करने में, ठीक है, इनमें टाइम लगता है, अदरवाइज L1 में टाइम नहीं लगता, L2 और L3 जो होती हैं ये डाटा को एक्सेस करने में टाइम लेती हैं, ठीक है. थैंक यू सो मच.